दोस्तों ब्लॉगर पे या फिर होस्टिंगर वगैरह पे किसी पे भी अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जितना आसान है एक वेबसाइट को क्रिएट करना और सेटअप करना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उसको सक्सेसफुल जो है उसको ब्लॉग को करना, सक्सेसफुल उस पर ब्लॉग पोस्ट लिखना और उस पर एक अच्छा ट्राफिक लाना। किस तरीके से लाएँ, कहाँ से लाएँ और कितना ट्राफिक आएगा तब आप जो है वेबसाइट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन किन सोर्सेज से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ब्राउजर को ओपन कर रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लॉगर को मैंने यहाँ ओपन करके रखा है। मेरा जो एडिटर है वेबसाइट का और मेरा वेबसाइट है जो है digitalmonish.in, मैं वेबसाइट को भी आपको अंदर से दिखाऊंगा। ऑलरेडी आपने देख रखा होगा अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और वीडियोस आपको मिलती रहे। देन यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्च 25 को लास्ट पोस्ट यहाँ पे की थी, कितने कितने व्यू मेरी जो पोस्ट मैंने यहाँ पे की है उनमें आए हुए हैं, आप सबके सामने है, बगल में आप देख सकते हैं हर एक पोस्ट का व्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड देन स्टेट्स पे मैं आपको चल के दिखा दूँ कि मैंने इतने लास्ट मार्च 25 को इस पर डाली थी, अभी जो आप देख सकते हैं 2 महीने लगभग हो गए हैं पोस्ट को डाले, फिर भी इस पर जो है ट्रैफिक रेगुलर है। 5 व्यू आज के हैं, टूडेज 5 व्यू यहाँ पर दिखा रहा है, ऑल टाइम 14,313 एंड इस मंथ के जो व्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 612 हैं, लास्ट मंथ के 831 व्यू हैं और कल के जो व्यू हैं वो 24 व्यू हैं। मैंने यहाँ पे 31 पोस्ट टोटल डाली हैं और इसको मैं आपको अंदर से दिखा दूँ कि एक हफ्ते में कितनी प्रोग्रेस है, कितने व्यू वगैरह यहाँ पे जो है आ चुके हैं। 108 व्यू हैं लास्ट 7 दिन के अंदर, यहाँ कहाँ कहाँ से व्यू आए हैं, यूट्यूब से मेरा ट्रैफिक आया है, डिजिटल मोनिश मेरा जो URL है उससे ट्रैफिक आया है, किसी ने सर्च किया है, गूगल से सर्च रैंकिंग हुई है वहाँ से आया है एंड अदर कई के अलग अलग सोर्सेज हैं, किसी दूसरे वेबसाइट से रिडायरेक्ट होकर भी आ जाता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि पेज व्यू किस किस पेज पर जो है हमारे व्यू आए हैं ज़्यादातर, और ब्राउजर कौन सा यूज करा है, विंडो से आए हैं, एंड्रॉयड से आए हैं, आईफोन से आए हैं। सबसे मेन चीज़ है कि किस किस कंट्री से आपके व्यू आए हैं, कहाँ कहाँ तक आपकी जो जो पोस्ट है वो रैंक कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा व्यू मेरे इंडिया से हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट्स से, बांग्लादेश से, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया एंड इसके अलावा मोरक्को वगैरह, अदर 17-18 व्यू और भी अलग अलग कंट्री से हैं। तो इस तरीके के व्यू कैसे आएंगे दोस्तों? अब सबसे ज़्यादा जो लोगों का भटकने वाला सवाल है कि कन्फ्यूजन वाला है कि भाई अगर हम आपके जो है एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करते हैं कितने दिन में उस पर जो है ट्रैफिक आने लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक है वो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है कि ट्रैफिक आपका सर से है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम ट्रैफिक है सर से, पर फिर भी आप इसको जो है अप्लाई करा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं इससे भी। अब उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें जो है उन पर मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आपके पास अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, फेसबुक लाइक इंस्टाग्राम या फिर गूगल वगैरह, और उसके अलावा आप जो है ऑनलाइन जो कई अलग अलग quora.com है उन पर जो है एक अच्छा सा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फैन फॉलोइंग फैन पेज बना सकते हैं किसी सेलिब्रिटी का, उसमें लिंक शेयर कर सकते हैं। अच्छा अगर आपके पास एक सोशल मीडिया नेटवर्क है तो उसके अंदर आप स्टोरी वगैरह लगा सकते हैं, लिंक शेयर करके वहां से भी आप जो है ट्रैफिक ला सकते हैं और आप इसको मोनेटाइज करा के इससे पैसे कमा सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर एक और ऑप्शन है, अगर आपको यहां पे आप आ जाएंगे अर्निंग पे तो यहां पे जो है एडसेंस यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इसके अलावा अगर आपकी जो है कम ट्रैफिक है, अगर आप थोड़ा ट्रैफिक कहीं से ला पा रहे हैं, चाहे यूट्यूब से ला रहे हैं या फिर फेसबुक गूगल या फिर और अलग अलग इंस्टाग्राम वगैरह सोर्सेज ला रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ला रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से ला रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और है एडस्टेरा का, अगर आपके जो है गूगल एडसेंस से मोनेटाइज नहीं करा पा रहे हैं तो आप एडस्टेरा पे सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, यह वाला एडस्टेरा है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको जो है साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक अकाउंट खोल सकते हैं। इसको जो है अकाउंट खोलना काफ़ी इजी है, कई वीडियोस डाल रखी हैं, और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप थर्ड पार्टी एड्स लगा सकते हैं, कैसे एड्स लगाएंगे उनके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस तरीके से आप एक अच्छा जो है ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर इसको चल के दिखा दूँ, इसका जो एनालिटिक्स है वो कम्प्लीट आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे सामने लाइव आपको मैं जो है ओपन करके दिखा रहा हूँ, कितने क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, 57 टोटल क्लिक दिखा रहा है। यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या चल रही है मेरे वेबसाइट की, यहाँ पे लगभग 2098 यहाँ पे मत लगा सकते हैं आप, मतलब कि 3000 के लगभग इंप्रेशंस मेरे गए हैं, जिनमें क्लिक रेट है जो मेरी एवरेज पोजिशन 21.3 है, क्लिक रेट 1.9 है। क्या सिस्टम है, कैसे इनको कनेक्ट करना है, कहाँ कहाँ से मेरे जो जो है अलग अलग यहाँ से जो व्यू आ रहे हैं, किन पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन जा रहे हैं, तो वो चीज़ें सारी आपको यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल क्लियर मैं दिखा रहा हूँ, हर किसी वीडियो में ऐसा नहीं दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं साइट में वगैरह कैसे सबमिट करना है, सब चीज़ के लिए रेगुलर वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने कस्टमर अगर आपको जो है व्यूवर्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका सॉल्यूशन जल्दी ही लाया जाएगा, नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू वीडियोस यहाँ पर आपको मिलने वाली है दोस्तों।